श्रुति श्रीवास्तव बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बिग ब्रेकिंग की बताते चलें कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से जमानत मिल चुकी है। जी हां, जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल को जमानत दे दी। 156 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद कथित शराब घोटाले के दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज दोनों जज साहिबान के सहमति से फैसला है ये, और बहुत जल्द केजरीवाल जी बाहर आएंगे। बहुत चूंकि इस केस के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने बेल ऑर्डर्स के माध्यम से बताया कि भाई इसमें किस प्रकार का एविडेंस है, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी और उस हर व्यक्ति को आज खुशी है जो कि केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति विश्वास करता है। मुख्यमंत्री के रूप में वो दफ्तर में काम करने को लेकर भी स्पष्टता नहीं आई। देखिए, अभी हम जजमेंट को पढ़ेंगे फिर आपको उस पर आप अपना कमेंट देंगे, लेकिन अब तो सब कुछ चुनावी के मूड में है। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया। जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मतलब सवाल उनके मुख्यमंत्री दफ्तर अटेंड करने को लेकर उठाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी भूमिका का नकार है। नेचुरल सी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी मैं तो बार बार ही बात कहता रहा हूं कि एक काल्पनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, चाहे मनीष जी हों, संजय जी हों, अरविंद जी हों। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, हमारे नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे। तो आपने ये सुना कि किस तरह वकील साहब ने कहा, आया कोई 17 महीने रह आया, कोई 6 महीने रह आया, अब क्या डर दिखाएंगे मोदी जी हमें, अब तो हम बेखौफ हो गए। जो उनके बस की था उन्होंने करके देख लिया, हमको जेल में डाल के देख लिया, और हम मोदी जी से लड़ रहे हैं। अब मोदी जी की किताब में कोई तरकीब नहीं बची, अब मोदी जी क्या करेंगे वो बताएं। देखिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है, और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से जो गिरफ्तारी। बताते चले कि सुना आपने, जितने लोग जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में थे उनके वकील, उन्होंने कहा कि देर है अंधेर नहीं है। सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। तो दिल्ली कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई। देर शाम तक वो तिहाड़ जेल से वापस आ सकते हैं। 156 दिन तक तिहाड़ जेल में बिताने के बाद 10 लाख के बॉन्ड पर केजरीवाल को जो इस फैसले की जो कॉपी है वो लिखित तौर पर एक प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले वो तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, और तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद वहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की औपचारिकताएं होती है, तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहाँ से निकल सकते हैं। तो तकरीबन 2 घंटे का वक्त वहाँ लगेगा। एक अनुमान लगाया जा सकता है पंकज कि आज शाम तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, और जिस तो केजरीवाल को शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। बताते चलें कि 21 मार्च को ईडी ने उनके घर पर जाकर सीधे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 10 दिन तक पूछताछ की। 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल में भेजा गया कुछ शर्तों के साथ। चुनाव था इसीलिए उनको फिर से रिहाई मिली। 51 दिन जेल में बिताने के बाद फिर से अरविंद केजरीवाल बाहर आए। ये प्रोसीजर तो था, सिलसिला आने जाने का बाहर, और संशय कि कब अरविंद केजरीवाल आखिरकार तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर आ पाएंगे। तो आज खुशी की
बात है आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा चुनाव से पहले, दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का आना एक सियासी सफर में फायदा दे सकता है। स्वास्थ्य देने का काम किया, उनको षड्यंत्र के तहत जेल में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और वो सारे षड्यंत्र को हराने का काम माने सर्वोच्च हरियाणा जाएंगे प्रचार के लिए, निश्चित रूप से हर जगह जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे, जहाँ जहाँ पर चुनाव है हर जगह जाएंगे। दिल्ली के लोग बेसब्री से माने मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं और जब वो शाम को उनके बीच में होंगे। तो देखिए ये कुलदीप कुमार जो कि मनीष सिसोदिया के सब किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। दो जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया है वो गलत है। लेकिन जहां तक बेल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। जैसा देखा जा रहा है कि बहुत दिन से केजरीवाल जेल में थे, आज जब वो बाहर निकलेंगे क्या फीलिंग होगा, क्या आप लोगों को उम्मीद, क्या बहुत खुशी है? ये देश के लिए जीत है, भाजपा के लिए हार है। और ये साजिशें रची एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था उनको उठा के जेल में डाला, इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं, आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है, हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल।